पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सबसे पहले आप पी चिदम्बरम के जो कीर्ति चिदम्बरम है उन्होंने ट्वीट किया है, आप मीडिया से बोला है कि जिस तरीके की पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, भारत का जो विपक्षियों को हटाने का तरीका है वही पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस को ही बोलने का इस विषय में कोई अधिकार नहीं। जिस प्रकार से इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई है, लोकतंत्र की हत्या करने की का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया, और कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है उस दोहरे चरित्र को देश जानता है, और इस प्रकार के बयानों को कोई गंभीरता से अब कांग्रेस के नेताओं के लेता नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारी पार्टी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, योगी जी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में, हम जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और भाजपा के स्वरूप में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी स्वरूप में हम जनता के सामने हैं। और निश्चित रूप से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा विकास का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, सुरक्षा का एजेंडा है, अंत्योदय का गरीब कल्याण की हमारी योजना है, उसके साथ देश खड़ा है। अध्यक्ष जी, दूसरा भी, अब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, मानसून सत्र है, सोमवार को बड़े नए रूप में हो गए, डिजिटलाइजेशन पूरी विधानसभा का किया गया है, स्क्रीन्स लगाई गई हैं, वहाँ स्क्रीन्स पे जो भी पर्सन बोलेगा उसको देखेंगे, चेयर भी चेंज कर दी गई है, नए लुक में पूरी विधानसभा हो गई है सोमवार से। नहीं, मैं बधाई देता हूँ माने विधानसभा अध्यक्ष जी को और विधान परिषद के माने सभापति को कि उन्होंने संचार क्रांति के युग में डिजिटल माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई संचालित करने का वो काम कर रहे हैं। ये पहल उनकी सराहनीय है और निश्चित रूप से हमारे सबके लिए लाभकारी है। दूसरा देखिए, ओवैसी का बयान आया है ज्ञान व्यापी को लेकर, आज सबसे पहले तो जो दूसरे दिन का ASI का सर्वे है वो आज पूरा हो चुका है, तो सबसे पहले उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा है, जो हमारी संस्था है वो सर्वे कर रही है। हमें धैर्य रखना चाहिए, सभी नागरिकों को, देश में प्रदेश में कानून का राज है, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के सभी नागरिक, इस देश की कानून व्यवस्था में सबका विश्वास है, धैर्य रखना है सबको, और जो भी परिणाम आएंगे उस परिणामों के आधार पर आगे बढ़ना है। ये बहुत संवेदनशील विषय है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और जो चीज़ें परिलक्षित होती हैं उस परिसर को देखने से, उन सारी चीज़ों को देश के सामने वो विषय आने चाहिए, वो देश की सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए उस स्थान की, ये देशवासियों की जिज्ञासा है और अपेक्षा है। और जो कि मैंने पहले भी कहा, ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, और उस घटनाक्रम में हम सबकी रुचि है, और जो भी विषय हैं सच्चाई देश के सामने आए इसका प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। सर, ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया है इस ज्ञान व्यापी को लेकर, उन्होंने बात भी की आज मीडिया से, बोल रहे हैं 6 दिसंबर जैसी घटना और कहीं गुना रिपीट हो जाए, बाबरियों के लिए कहीं दरवाजे ना खुल जाए, इस तरीके की बात। निश्चित रूप से देश में कानून का राज है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस व्यवस्था को दृढ़ता से लागू करने के लिए संकल्प है, लेकिन जो माने न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर ASI सर्वे कर रही है, और सर्वे के परिणामों को जानने के लिए देश उत्सुक है, और हमें कोर्ट की कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग स्वागत करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।